कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए आंशिक कर्फ्यू में नगर निगम प्रशासन महानगर के 70 वार्डों में लगातार सैनिटाइजेशन का अभियान चला रही है। शनिवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में सघन तरीके से सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहर के 70 वार्डों में लगातार निगम की गाड़ियों के माध्यम से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि शनिवार को नगर निगम एवं पंचायती राज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नगर निगम सीमा के सटे नए गांव जो नगर निगम में शामिल हो रहे हैं उन गांवों में भी सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया, जो आगे भी जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत खोराबार ब्लॉक, सुबह बाजार, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित अन्य स्थानों पर वृहद सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी, सफाई निरीक्षक महेश चंद एवं सुपरवाइजर विंध्याचल, स्थानीय सुपरवाइजर भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया, जैसा कि आपके और आपके चैनल के संज्ञान में है, पिछले काफ़ी समय से लगातार प्रतिदिन नगर निगम के क्षेत्र में पड़ने वाले जो हमारे 70 वार्ड्स हैं उनमें हम लोग सघन विशेष महाअभियान सैनिटाइजेशन का चला रहे हैं, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक कर देना और संक्रमण की दर को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें फतह हासिल करना। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं अपने अपर नगर आयुक्त साहब के साथ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी के साथ और पूरी टीम के साथ, सबसे पहले हम लोग जो तो वार्ड नंबर 3 के इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर गए। वहाँ पर रजिस्ट्रार साहब, उनके अकाउंटेंट, वो लोग मौके पर मौजूद थे। इंजीनियरिंग कॉलेज का और उनके जो आवासीय परिसर का हम लोगों ने व्यापक सैनिटाइजेशन कराने के बाद हम लोग वहाँ से खोराबाद क्षेत्र में गए सैनिटाइज करते हुए, और आज वहाँ पर चूँकि ये वो क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर निगम में आए हैं, लेकिन अभी ग्रामीण इस बार वहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये नगर निगम में शामिल भी नहीं हुए हैं। इसके बावजूद चूँकि वहाँ पर हमारी बहुत बड़े संख्या में लोग रहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज जो पंचायती राज विभाग है और नगर विकास विभाग ने मिलकर वहाँ पर ज़बरदस्त संयुक्त अभियान चलाया, और जो DPRO साहब की पूरी टीम थी, नगर निगम की पूरी टीम थी, उसने मिलकर सबसे पहले वहाँ पर ब्लॉक पर, वहाँ पर जो PSC है वहाँ पर, और आसपास जो सड़क के दोनों तरफ जो मार्केट था उसका अच्छी तरह से व्यापक तरीके से उसका वहाँ पर सैनिटाइज कराया गया। और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से लौटकर वार्ड नंबर 5 के नंदग्राम में चल रहे सैनिटाइजेशन काम का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था। तत्पश्चात वार्ड नंबर 57 मिर्जापुर में हम लोग जाकर वहाँ पर सैनिटाइजेशन के काम का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर मौके पर जो हमारे क्षेत्रीय सभासद महोदय थे वो भी मौके पे मौजूद थे और इस सैनिटाइजेशन के काम में वो भी हाथ बटा रहे थे।
इसके पश्चात हम लोग जोन 3 के वार्ड नंबर 40 नासिरपुर के क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पे हमारे जो जोनल अधिकारी महोदय, सैनिटरी इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम वहाँ सैनिटाइजेशन का काम कर रही थी। इसके पश्चात हम लोग जो है HSN चौराहा से शाहपुर की तरफ बढ़े सैनिटाइजेशन कराते हुए, और वहाँ पर हमारे जो उपनगर आयुक्त श्री संजय शुक्ला जी, जो चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अखिलेश और उनकी पूरी टीम सैनिटाइजेशन का काम कर रही थी। इन सबको देखते हुए हम लोग सैनिटाइजेशन के काम को गति पकड़ाते हुए, निरीक्षण करते हुए और अपने इस काम में लगे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करते हुए राजघाट की तरफ गए। वहाँ पर भी सैनिटाइजेशन का काम कराया गया, और कहने का आशय यह है कि आज भी लगातार सुबह से लेकर देर शाम तक ये सैनिटाइजेशन का काम चलता रहा। और अभी पुनः जो है हमारी जो थर्ड शिफ्ट है, एक जो एकदम प्रातःकालीन सुबह वाली है, एक दोपहर की, और तीसरी जो रात्रि वाली है, नाइट सैनिटाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो अभी शुरू होने जा रही है। जगह जगह विभिन्न वार्डों में ऐसे जगहों पर जहाँ पर कि दिन में करने में थोड़ी दिक्कत होती है, चाहे वो सघन बस्ती होने की वजह से या कुछ कैंटोनमेंट जोन की वजह से, तो रात में हम लोग उसको विशेष रूप से वहाँ पे सैनिटाइज करते हैं। तो अभी वो सैनिटाइजेशन काम वहाँ भी प्रारंभ होने जा रहा है। इस जो पूरा सैनिटाइजेशन का काम आज जो हमने पंचायती राज विभाग का भी सहयोग लिया है, और हमारे जो अन्य जो कुछ गाँव जो हैं नगर निगम की सीमा में आ गए हैं, उनको भी हम धीरे धीरे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पंचायती राज विभाग का सहयोग लेते हुए नगर निगम जो है अपनी पूरी टीम लगाते हुए उनको भी पूरी तरह से हम सैनिटाइज कराएं। इसके साथ साथ जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि कोरोना के संक्रमण फैलने की बात आ रही है, उस पर भी हम लोगों ने आज CDO साहब से वार्ता हुई है, ADM साहब से वार्ता करने के बाद वहाँ पर जो वहाँ जो हमारे गाँव में निगरानी समिति बनी हुई है उसका उस पूरी तरह से सहयोग लेते हुए, उनको पूरी तरह से अति सक्रिय करते हुए, उनके सहयोग से हम लोग पूरे गांव में भी जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसको पूरी तरह से ब्रेक करने का प्रयास चल रहा है लगातार। और ये सैनिटाइजेशन की ड्राइव तभी जाके ये रुकेगी जब हम इस कोरोना संक्रमण की चेन को पूरी तरह से ब्रेक कर लेंगे।